डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ के होटल क्रोम में दुष्कर्म का शिकार हुई दिल्ली की युवती अभी शिकायत देकर अपने घर भी नहीं पहुंचे थे कि पुलिस की जांच व रवैया बदल गया। अपने प्रार्थना पत्र में वह नाम लेते हुए सीधा आरोप लगा रही है कि उसके साथ मेरठ के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे दानिश अखलाक ने रेप किया है। दानिश के मोबाइल में अन्य हिंदू युवतियों के साथ ही तमाम चैटिंग है, जो साबित करने के लिए काफी है कि वह किस तरह अन्य हिंदू युवतियों को धोखा देकर अपने जाल में फंसा रहा है। शिकायती पत्र में कई जगह शाहिद अखलाक के पुत्र दानिश अखलाक के नाम का बकायदा उल्लेख किया गया है, लेकिन मेरठ के SP सिटी ने इसे यह कहते हुए एक सिरे से नकार दिया है कि ऐसा कोई आरोप पूर्व सांसद के बेटे पर नहीं है। युवती ने एक ID दी है, इसे जांच के लिए साइबर क्राइम को भेज दिया गया है। बता दें कि सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारियों का एक बड़ा वर्ग भी शाहिद अखलाक के मामलों में पैरवी करने के आरोपों से घिरा हुआ है। पहले सुनिए क्या कहा युवती ने। एक लड़की से इंस्टा पे बात कर रही थी, उसने पहले मैसेज किया था, हमारी थोड़ी बहुत बात होने लगी, वो दिल्ली भी आया मुझसे मिलने, उसके बाद फिर हम मिले जुले, उसने काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाया कि हाँ मैं इतने अच्छे परिवार से, उतने अच्छे परिवार से, आप विश्वास करके मुझसे मिलने आई मेरठ। पर उसने मुझे उससे पहले अपने होटल पर बुलाया, अपने रूम में छोड़ दिया। उस बंदे ने वहाँ पर ज़बरदस्ती करी मेरे साथ, रेप पे भी रेप किया। उससे पूछा कि आप सिंगल हैं या फिर आप शादीशुदा हैं, तो उन्होंने तब भी झूठ बोला मुझसे कि मैं नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल ही रहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो नहीं हूँ। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। क्या नाम है जी उसका? नाम है दानिश अखलाक, तो मेरठ का ही रहने वाला है वो। अब सुनिए मेरठ के तेज तर्रार SP सिटी पीयूष सिंह को। इस तरह से कोई आरोप नहीं है कि पूर्व सांसद के बेटे, एक महिला लड़की जो है SSP ऑफिस में आई थी, उसने एक एप्लीकेशन ली और उसमें उसने एक ID बताई है, उस ID के ऊपर जो है एलिगेशन लगाया गया है। उस ID की पहचान के लिए इस एप्लीकेशन को साइबर सेल रेफर किया गया है और इसकी साइबर सेल से रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब सुनिए मेरठ के तेज तर्रार SP सिटी पीयूष सिंह को। SP सिटी के इस बयान के बाद समझा जा सकता है कि अब इस मामले में आगे क्या होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।